श्री दाता राम की प्यासी भूमि आज पानी पानी करती, और तेरी याद में तेरे बेटों ने अमर कहा चले जाओ, मथुरा चले जाओ, लेकिन जब तक माँ बाप घर में हैं, उनकी सेवा से बड़ा कोई भी तीर्थ नहीं हुआ करता। जिस तरह से आज हमारे दादा श्री दाताराम जी के दोनों सपूतों ने अपने पिता की सेवा की है, सारी बिरादर को बुलाया है, इस तरह से माँ बाप की सेवा होती है। पहली कली में के लिखा भाई हरिद्वार चाहे हरिद्वार चाहे मात वैष्णो पेट पकड़ लौटे हो मात पिता के चरणों आके सब तीरथ छोड़ते हो मात पिता के चरणों आके सब तीरथ छोड़ते हो हर जो इनका अपमान करे सदा उनके दिल खोटे हो पिता का मान करे ते सदा दूर टोटे हो बुजुर्गों की आत्मा इर्द गिर्द घूमती है, देखती है कि किस तरह की मेरी औलाद है, किस तरह से मेरा नाम बढ़ा रही है। अगली लाइनों में कवि महोदय ने दादा के दोनों सपूत और तीन पोते उनका वर्णन किया है, किस तरह दूसरी कली को लिखा भाई अपने बेटे सरदार करे अपने बेटे सरदारा का कुशल व्यवहार देखता जा दया राम अपने बेटे का सच्चा प्यार देखता जा दया राम अपने बेटे का सच्चा प्यार देखता जा विजयपाल और सचिन को आ एक बार देखता जा अभिमन्यु की इस दुनिया में जय जयकार देखता जा अभिमन्यु की इस दुनिया में जय जयकार देखता जा हर जैसा चाहवे था बेटों ने जैसा चाहवे था बेटों ने तेरी मन की मानी कर दी ओ तेरी याद में तेरे बेटों ने अमर कहानी ये
दादा के दो पड़पोते, एक सपुत्री है, उनका भी किस तरह का बयान तीसरी कड़ी के माध्यम से किया है सुनेंगे। मयंक और हर्षवर्धन ने तेरी याद सतावे, कश्मीरी देवी तेरी बेटी रो रो नीर बहावे, हो कश्मीरी देवी तेरी बेटी रो रो नीर बहावे। भई सतपुरुषों की कथा प्रेम से सभा बीच में गावे, कालू आ इंदौर काम से चरणों शीश नवावे, मात वैष्णो ने ब्रह्म पाल की आज मीठी पानी कर दी।